स्वागत है दोस्तों टेक्निकल हरिओम भैया के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपका भाई आपको तीन ट्रिक्स बताने वाला है डायल अप एंड की। दोस्तों यहां पर आपको तीन ट्रिक्स देने वाला है डायल अप एंड की दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो दोस्तों मैं हूं हरिओम और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरिओम भैया का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको टेक्निकल हरिओम भैया तीन ट्रिक्स बताने वाला है दोस्तों, तीन सीक्रेट कोड्स बताने वाला है दोस्तों, जिससे आप अपने मोबाइल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तीन कोड बताने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट कोड ये रहा दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आप किस तरीके से आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया हो या फिर किसी ने आपकी कॉल्स को फॉरवर्ड किया हो दोस्तों, और दोस्तों आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया है या फिर कॉल फॉरवर्डिंग की है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से पता कर सकते हैं दोस्तों कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया है या फिर कॉल फॉरवर्डिंग करिए दोस्तों, तो आप किस तरीके से इसको पता कर सकते हो दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों इसके लिए आपको एक कोड डायल करना है अपने डायल अप एंड पर कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया है, तो किस तरीके से पता कर सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल को किसने हैक किया है या फिर किस तरीके से हैक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कोड डायल करना है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दो कोड शो हो रहे हैं दोस्तों, एक नहीं काम करे तो दूसरा दोस्तों डाल के देख लेना दोस्तों। यहाँ पर आपको डायल करना है *#6#2#। दोस्तों दोनों कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, ये वाला कोड नहीं काम करे तो आप सेकंड वाला कोड डाल के भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको डायल पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हो जाए कॉल फॉरवर्डिंग वाइस नॉट फॉरवर्डेड, दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों मेरा कोई भी अभी कॉल फॉरवर्ड नहीं हो रहा है और मेरा मोबाइल बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों, और मेरा कोई भी कॉल फॉरवर्ड नहीं हो रहा है और मेरा मोबाइल नहीं हैक हुआ है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप अपने कॉल फॉरवर्डिंग को चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल को किसी ने हैक किया है या फिर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग लगा रखा है। तो दोस्तों चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक दोस्तों, दूसरा कोड क्या है और किस तरीके से आपको इसको समझना है दोस्तों, तो दूसरा कोड ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों सेकंड कोड आपको देने वाला हूँ दोस्तों। सेकंड कोड में क्या है दोस्तों, आप जियो नंबर की दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। जियो नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग दोस्तों, जिस मोबाइल पे आपको अपने मोबाइल की कॉल सुनना है दोस्तों या फिर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो किसी दूसरे मोबाइल पर दोस्तों, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक कोड डायल करना है। कोड क्या डायल करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ कॉल फॉरवर्डिंग का। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 002#। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक नंबर डालना है, यहाँ पर आप कोई सा भी एक नंबर डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों मीटर हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बीन डिजेबल्ड। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आप इसको बंद किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। बंद करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बंद डिसकनेक्ट करने के लिए, कॉल फॉरवर्डिंग को डिसकनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या डायल करना है, यहाँ पर आपको डायल करना है दोस्तों *#402। दोस्तों कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए आपको इस तरीके से दोस्तों आपको डायल करना है, और आपकी कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर दी जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों। आप कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों तीसरी ट्रिक की ओर। दोस्तों तीसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायल अप पैड में दोस्तों आपको क्या लग रहा होगा दोस्तों कि ये मामूली डायल अप पैड नहीं है, यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एक कोड डायल कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर मैं एक कोड डायल कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं कोड डायल करता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का कुछ खुलकर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप अपने वीडियोस को और दोस्तों यहाँ पर आप कोई सी भी इमेज को हाइड कर सकते हो या फिर वीडियो को, कोई सो भी दोस्तों यहाँ पर आप किसी को भी हाइड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सा भी अपना ही कोड डालो, यहाँ पर आप अपने मन से भी कोई सा भी कोड बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप कोई सा भी अपना खुद का एक कोड बना सकते हो दोस्तों, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप कोई सी भी वीडियो फोटोज़ को हाइड कर सकते हो दोस्तों, फाइल वगैरह किसी को भी हाइड कर सकते हो। इस तरीके दोस्तों एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इस डायलापेट को डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको ओपन कर लीजिए। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों राइट वाले बटन पर क्लिक करके इस तरीके से आपको आगे चले जाना है। गो टू एंड डू इट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको अलाउ अलाउ कर देना है सब पर इस तरीके। दोस्तों राइट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिक्योरिटी डाल देनी है दोस्तों। कोई सा भी एक कुछ भी आप डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मैं ए डाल के सेव कर लेता हूँ इस तरीके से। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना कोई सा भी एक कोड बना लीजिए, कुछ भी एक कोड बना लीजिए। मैं भी 1 2 3 4 दोस्तों एक कोड बना लेता हूँ और इस तरीके से ग्रीन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं 1 2 3 4 डालूंगा और डायल करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक लॉक ओपन होकर खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों और इस तरीके से हाइड कर सकते हो। दोस्तों हाइड भी इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आप डायलापेट में हाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आप हाइड कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हाइड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई सा भी आपका दोस्तों कोई भी यहाँ पर इसको ओपन करेगा तो उसको लगेगा दोस्तों कि यहाँ पर आप डायलापेट यानी आप किसी को कॉल करते हो ये काम का है दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी फाइल्स को भी हाइड कर सकते हो इस तरीके से। ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।